सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है और आप बिगिनर हो, यानी कि आप बिल्कुल न्यू कमर्स हो इसमें और आपको तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेन फोकस रहेगा एसएससी सीजीएल पर। बाकी कोई भी अगर इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन हम फोकस करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इफ़ यू आर बिगिनर्स। अगर आप न्यू कमर्स हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है और आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो किस स्ट्रैटेजी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, कुछ भी काम करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आपको रास्ता पता है ना कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हो। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले पता होनी चाहिए। मेन आ जाए, हम उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पहले से तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी अगर देख लेंगे इस वीडियो को तो उनके कुछ ना कुछ काम ही आएगी। मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि उनको भी ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए। इससे आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हो सकता है ऐसा बताऊं जो आपको पता हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा कुछ बताऊं जो आपको नहीं पता हो और आप उसको फॉलो करो, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, तो आपके स्कोर बढ़े और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। आप सब लोग मुझे जानते हो, फिर भी कोई अगर कोई आप नए हो, मैं उन सबके लिए बता देता हूँ। मेरा नाम निशांत कपूर है और मैं एसएससी सीजीएल 2018 से जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी मुझे वो मिल गई है, और जो मेरा पहला फर्स्ट प्रेफरेंस जोन था वो भी मुझे मिल गया है। सबसे पहले आप सब लोगों को एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोज बना रखी हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो हमारी स्ट्रेटजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। अब देखो, उसके बाद क्या जरूरी है, पैटर्न के बाद तैयारी जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक आपके पास एम होना चाहिए, एक आपके पास गोल होना चाहिए, आपको क्या अचीव करना है। सबसे पहले अपनी ड्रीम जॉब ढूंढो कि यार आपकी ड्रीम जॉब क्या है। जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स वाली वीडियोस है मैंने बना रखी है स्ट्रेटजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में, उसमें डिटेल में मैंने हर पोस्ट के बारे में बता रखा है। तो आप सबसे पहले अपनी ड्रीम पोस्ट ढूंढो, यानी कि अपना एक एम ढूंढो। आपको बिल्कुल एम क्लियर दिखना चाहिए, आपकी क्लियर विजन होनी चाहिए, तभी आप वहां तक जा पाओगे। ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जो लोग क्रैक करते हैं, जो लोग टॉप करते हैं, वो सब भी इसी दुनिया के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी और आपका ज़रूर क्रैक होगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक होगा अगर जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप उसको फॉलो करते हो और आप मेहनत करते हो। तो उससे पहले एक और बात, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स की तरह सीजीएल के लिए भी डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन बैचेज में और टेस्ट सीरीज में सीजीएल के हर का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सब कुछ पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा सब कुछ, और 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, यानी कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता आपको। इसी के साथ साथ आप अपने एजुकेटर से लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है ना मेरे हिसाब से, तो वह कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटजी के साथ साथ आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये सबसे जरूरी है। अब देखो, एग्जाम पैटर्न के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम, फिर भी एक बार एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है। टीयर 1 200 नंबर का होता है, टीयर 2 200+200 400 नंबर का होता है, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि 100 नंबर का होता है। डिटेल में मैं ज्यादा नहीं बता रहा इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है स्ट्रेटजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि बिगिनर्स को तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखो, कहने को तो 4 सब्जेक्ट आते हैं एसएससी सीजीएल में, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स और इंग्लिश। अब रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आती, इजीली लोगों से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती। अब चौथा बचता है जीके। जीके में ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन इसकी वेटेज काफी कम है, 700 में से सिर्फ 50 नंबर की वेटेज है। अब आप कहोगे यार 700 में से 50 नंबर है, छोड़ देते हैं। नहीं भाई, ये गलती भी नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतने ज्यादा मतलब वो हो गया है कि आप छोड़ नहीं सकते इसको। ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा स्मार्ट वे से पढ़ो, ताकि कम पढ़ने से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। जीके में स्कोर करना बहुत टफ होता है, और मेरे जीके में 25 से भी ज्यादा नंबर आए थे 50 में से। आपको लग रहा होगा कि 25 से ज्यादा नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई ये बहुत अच्छा स्कोर होता है जीके में, कम स्कोर नहीं होता है। तो स्मार्ट वे बताऊंगा आपको जीके के लिए भी, बाकी मैथ्स और इंग्लिश के लिए तो प्रॉपर बताऊंगा, और रीजनिंग का तो यार कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती नहीं है उसमें। अब एक और जरूरी चीज़,
कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कट ऑफ अगर हमने क्लियर कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जैसे टीयर वन की कट ऑफ क्लियर करी तो लोग सोचते हैं टीयर वन की कट ऑफ क्लियर होगी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर टीयर वन की आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ से कम आपके 20 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तब जाकर आपको कोई अच्छी डिसेंट पोस्ट मिलेगी। अगर आप सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर कर पा रहे हो टीयर वन में, तो आपको टीयर टू में और टीयर थ्री में बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोई पोस्ट लेने के लिए। तो ये मत सोचना कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, शुरू से सोच के चलना कि बहुत अच्छा स्कोर करना है। आप ये सोच के चलो कि आपको टॉप 100 में आना है यार, मतलब जितना अच्छा एम रखोगे उतना अच्छा ही तो स्कोर कर पाओगे, उस हिसाब से तो मेहनत कर पाओगे ना आप लोग। अब बहुत सारे लोगों को एक और गलत फहमी है, उनको ये लगता है कि इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया जा सकता, इस एग्जाम को पढ़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप 6 महीने मेहनत कर लो ना, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने मेहनत कर लो अपनी ज़िंदगी के, तो आप इस एग्ज़ाम को पहली बारी में आसानी से क्रैक कर सकते हो। लेकिन वो जो 6 महीने की मेहनत होनी चाहिए ना, वो फोकस स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ोन भी पढ़ा, टीवी भी चल रहा है और आप पढ़ रहे हो। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी इन्जॉयमेंट के लिए, हॉबीज़ के लिए अलग समय रखो। मैं ये नहीं कह रहा इन्जॉय मत करो, इन्जॉय करो, खूब इन्जॉय करो, मौज लो ज़िंदगी में। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो दिन के 4 घंटे या 5 घंटे जितना भी आप पढ़ रहे हो, उस समय आपको सिर्फ पढ़ना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है, और लेकिन वो फोकस स्टडी चाहिए। हाँ, एग्जाम से जब 1-1.5 महीना रह जाएगा एग्जाम में, तब उन 4 से 5 घंटे को बढ़ाकर 8-10 घंटे आप कर सकते हो। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में 4 से 5 घंटे मोर देन इनफ है अगर आप फोकस होके कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो। अब आप कहोगे कि यार सिर्फ 4 से 5 घंटे, लोग तो कहते हैं 10 घंटे पढ़ना है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 4 से 5 घंटों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि पूरे दिन में ना सिर्फ एक सब्जेक्ट मत पढ़ो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मिक्स करके पढ़ो, भी बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद जो टाइम टेबल बनाओगे ना, उसको बहुत ज़्यादा रिजिड मत बनाना। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओ, और उस समय पढ़ो जिस समय आप फ्रेश फील करते हो। अब हो सकता है कि किसी इंसान को सुबह पढ़ना बढ़िया लगता हो, किसी को रात को पढ़ना बढ़िया लगता हो, किसी की नाइट शिफ्ट हो, किसी की डे शिफ्ट हो, तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। ये मत देखो कि टॉपर का टाइम टेबल ये था तो हम भी ये बना लें, हम टॉप कर जाएंगे। नहीं, आप अगर किसी और का टाइम टेबल कॉपी करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे तो लंबे समय तक चल पाओगे। कोई भी चीज़ वो करो जो ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, किसी और का टाइम टेबल ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको वो 4 से 5 घंटे का ब्रेकअप बताता हूँ कि आपको उन 5 घंटों को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आप 2 घंटे पढ़ो मैथ्स। 2 घंटे लगातार पढ़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 घंटे आप इजीली पढ़ सकते हो लगातार। फिर भी अगर दिक्कत है तो 1 घंटा पढ़ गया, 10 मिनट ब्रेक ले लेना, फिर 1 घंटा पढ़ लेना। कोशिश करना 2 घंटे तो लगातार पढ़ो। अब 2 घंटे मैथ्स पढ़ा, उसके बाद ब्रेक ले लो, जो करना है थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट कर लो, कहीं चले जाओ। उसके बाद मतलब 5 घंटे तो दिन में कभी भी निकाल सकते हो यार। 2 घंटे सुबह निकाल लिए, 2 शाम को निकाल लिए, 1 रात को निकाल लिया, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। वो आपने मैनेज करना है कि आपने कैसे निकालना है समय। मैं ये बताऊंगा कि उस समय को मैनेज कैसे करना है। अब आरी आती है, 2 घंटे हो चुके हैं मैथ्स की, अब आरी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश को भी मैं कहूँगा कि ये 2 घंटे देने हैं। उस 2 घंटे में आधा घंटा आप वोकैब पे दो। इंग्लिश में वोकैब बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं और वहीं दिक्कत आती है। वोकैब को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करो। आधा घंटा वोकैब को देने के बाद जो बाकी का 1.5 घंटा बचता है, उस 1.5 घंटे में आप ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ो और प्रैक्टिस करो। वो सारी जो प्रैक्टिस बुक्स वगैरह हैं उनसे आप प्रैक्टिस करो। इंग्लिश आप पढ़ोगे ना, हमारी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, ईशा मैम पढ़ाती हैं वहाँ पे, आपको वोकैब के बारे में भी, ग्रामर के बारे में भी सब कुछ मिलेगा। और वोकैब एक बार आप पढ़ लोगे ना अगर आप मैम से, तो भाई साहब ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। वोकैब ऐसे जादुई तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको याद करना नहीं पड़ता, याद अपने आप हो जाता है। वीडियोस देखना जरूर और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं आगे की। 4 घंटे मैं आपके ले चुका हूं अब तक, अब आगे की बात करेंगे। अब मैं कहूंगा कि 15 से 30 मिनट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय देना चाहो, रीजनिंग के लिए मोर देन इनफ है। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से पढ़ सकते हो, कैसे ही पढ़ सकते हो, 15 से 30 मिनट बहुत रहते हैं रीजनिंग के लिए। बाकी ज़्यादातर आपकी रीजनिंग तो जो मॉक टेस्ट लगाओगे ना उससे इंप्रूव होगी। तो अभी तक मैंने आपके 4.25 से 4.5 घंटे लिए हैं। अब जो आपका आधा घंटा बचता है ना, इस आधे घंटे में आपको क्या करना है, इस आधे घंटे में ना आप जीके पढ़ सकते हो। और जीके भी जो आपने पढ़नी है ना, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं देना आपने जीके को। एक तो जो पढ़ो कोशिश करो कि ट्रिक से पढ़ो। अब भाई ट्रिक से कैसे पढ़ो वो भी आपको अभी बताऊंगा। ट्रिक से पढ़ोगे ना वो भी आपको ऐसे लगेगा कि आप मजाक मजाक में पढ़ गए और सीख भी गए सब कुछ। और ज़्यादा फोकस आपने रखना है
प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना या कुछ भी, बाकी करंट अफेयर्स आते हैं वो तो एग्जाम से कुछ समय पहले पढ़ लोगे आप, इजीली पढ़ सकते हो, एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ लेना, 8-10 महीने के इजीली कवर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपके सिर्फ 5 घंटे लिए, आप 5 घंटे को थोड़ा सा कम करना चाहो, थोड़ा सा कम समय हो तो 10-10 मिनट कम करके मतलब 4-4.5 घंटे तक भी ला सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप कहोगे कि भाई ये तो बता दिया कि ये पढ़ना है, अब किन बुक से पढ़ना है ये कैसे बताएं? तो भाई देखो, बुक्स के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिटेल्ड बुक्स वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीजल के एग्जाम पैटर्न वाले का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट वीडियोस लगती हैं जो इससे रिलेटेड हैं और आपके काम आने वाले हैं, उन सबका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। मैं बताना चाहूँ तो आज की वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने का और ज्यादा समय खराब करने का जरूरत नहीं है ना, वही रिपीटेड चीजें बार बार बताने का क्या फायदा, जो चीज पहले बता रखी आप वो वीडियो देख लेना दोबारा, आप क्या फायदा होगा उसका। अब एक ये चीज है कि Tier 1 और Tier 2 में लोगों को समस्या आती है, लोग कहते हैं भाई हम तो Tier 1 की तैयारी कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं, यार कोई तैयारी अलग अलग होती नहीं है। आप ये स्टार्टिंग से समझ के चलो कि आपको Tier 1 Tier 2 दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, कोई बहुत ज्यादा फर्क है ही नहीं यार, मैथ्स में फॉर्मूले भी वही है, इंग्लिश में ग्रामर भी वही है, इंग्लिश में वोकैब भी वही है, सब कुछ तो वही है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लेवल का ही तो डिफरेंस है ना यार। तो स्टार्टिंग से उस लेवल का पढ़ो कि आपको टीयर टू की तैयारी को अलग से करनी ही ना पड़े, जो Tier 1 से Tier 2 के बीच में 2-3 महीने मिलेंगे वो आपके सिर्फ रिविजन हो, ताकि आप और अच्छा स्कोर कर पाओ Tier 2 में। अब जब आप पढ़ रहे होगे, जब आप ये सारी तैयारी कर रहे होगे ना, तो कोशिश करना कि साथ साथ अपने नोट्स बनाकर चलो, क्योंकि जब आपने अपने खुद के नोट्स बना लिए होंगे ना, तो आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे वो, और रिवीजन सबसे जरूरी होती है। रिवीजन ही एक ऐसी चीज होती है जो एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट कर देती है, ये सबसे जरूरी पार्ट होता है तैयारी का, तो रिवीजन तो आपको करना ही करना है, जितना ज्यादा रिवाइज करो, जितनी बार बार पढ़ो उतना अच्छा है। अब मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो भाई मॉक टेस्ट भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल अगर स्टार्ट कर रहे हो तो अभी मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पंगे में मत पड़ो, जब आपकी तैयारी लगभग 30-40% हो जाएगी उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, स्टार्टिंग में हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगा लेना, धीरे धीरे बढ़ाना, हफ्ते के 2 कर लेना, हफ्ते के 3 कर लेना, और एग्जाम से लगभग 1-1.5 महीने पहले ऐसे कर देना कि डेली का एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और उस मॉक टेस्ट में ना अपना परसेंटाइल देखना, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ तक हो, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, और उसको एनालाइज जरूर करना। मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ना बहुत सारे फायदे होंगे, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, जहां दिक्कत आ रही है, जहां कमी आ रही है, वो सब आप इंप्रूव कर पाओगे। अब तैयारी के साथ साथ ना ब्रेक लेना और गैप लेना बहुत जरूरी है। एक तो कोशिश करना कि डेली कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, और हफ्ते में आधा या एक दिन का ब्रेक जरूर लेना, जैसे कोई भी दिन रख लेना, संडे रख लेना कि मतलब संडे को दोपहर तक पढ़ना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, रेस्ट करूंगा, एंजॉय करूंगा, ऐसे कोई भी एक दिन रख लेना, आधे दिन का ब्रेक जरूर लेना। और ये जो 4 से 5 घंटे बिगिनर्स के लिए बताए, और जनरली जो बिगिनर्स होते हैं ना वो कॉलेज में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं काफी हद तक बहुत सारे लोग, तो भाई अगर आप बिल्कुल फ्री हो, जैसे मान लो आपके पास कोई काम ही नहीं है, जॉब में हो या कॉलेज में कोई काम हो, तब तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही फ्री हो, कोई काम नहीं है, तो आप इन 4 से 5 घंटे को बढ़ाकर थोड़ा और ज्यादा भी पढ़ सकते हो, कोई कसम नहीं खाई कि सिर्फ 4 से 5 घंटे ही पढ़ने हैं, अगर आप फ्री हो तो आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन जितना भी पढ़ना ना वो फोकस होकर कंसंट्रेशन से पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना कि बैठे यहाँ और दिमाग कहीं और चल रहा है। घबराना मत और लोगों की बातों में मत आना, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, मैंने भी गलती करी थी, मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा लोग, कई लोग ये भी कहेंगे कि ये इजी पढ़ रहे हो तुम, ये पढ़ रहे हो मुश्किल पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप कोचिंग लगाओ, लगाना चाहो तो सेल्फ स्टडी करना चाहो सेल्फ स्टडी करो, जहां से भी पढ़ो एक एवरेज लेवल पढ़ो, बहुत ज्यादा मुश्किल मत पढ़ने लग जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता। मैं बार बार आप सब लोगों को ये चीज समझाता हूँ कि पेपर एवरेज लेवल ही आता है, तो बहुत ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोचिंग भी लगाओ तो भी कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां आपको एवरेज पढ़ाया जाए, एवरेज पढ़ने से क्या होगा, जो मुश्किल चीजें भी है ना वो भी धीरे धीरे आपकी होने लग जाएंगी। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कोशिश करो जितनी ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, बार 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 रिवीजन करते रहो, लगे रहो उसमें, और मॉक टेस्ट लगाते रहो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, यानी जैसे कि रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, बुक्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखना, आपके बहुत काम आएंगे वो वीडियोस। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग पूछना चाहो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा दूसरा चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करना, उसमें आपको हमारा डेली रूटीन देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने अब तक मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग मास्टर जी एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।